हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रही हूँ कि पीछे देखिए घड़ी में 2 बज रहे हैं, 2 नहीं बल्कि 2:30 बज गए, ऐसे ऊपर हो गया है। और आज स्कूल में रुक के थोड़ा सा आई हूँ क्योंकि पेपर है, तो बच्चों का पेपर वगैरह बनाना अब शुरू कर रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और इधर मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रही थी, कुछ नहीं, स्कूल का भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाई थी, तो अब मैं स्कूल पर अपने पूरा फोकस मैं स्कूल पर करने वाली हूँ। और आई हूँ, अभी पानी भी नहीं पीऊँ। मैंने कहा चलो, व्लॉग नहीं डाला था कई दिन से, आज मैसेज आ गया मेरे पास कि आपका व्लॉग कब आएगा, हम वेट कर रहे हैं। तो वाकई में जो मेरे थोड़े से व्यूवर्स हैं, प्यार करने वाले, वो तो इंतज़ार करते हैं, उनके लिए तो मुझे डालना ही डालना है। तो बस मैं अब चलती हूँ, खाना पीना कुछ बनाती हूँ, देखती हूँ मैं थोड़ा सा अपने लिए क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो सब्जी बनी है, मैं 2 रोटी सेक के वही खा लूँगी, सब्जी रोटी से। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। क्या मैं बोलूँ आप लोगों से, क्या अपनी फीलिंग बयां करूँ, क्योंकि जो मम्मियाँ हैं वो तो समझ रही होंगी, पर जो बच्चे देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि कितना ज्यादा ये अपनी बेटी से प्यार करती है, क्या बार बार बेटी बेटी को याद कर रही है। लेकिन जो मम्मियाँ होंगी जिनके बच्चे बाहर गए होंगे, वो मेरी फीलिंग्स को समझ रही होंगी। सुबह सुबह करके गई थी, सारा कुछ वैसे ही पड़ा है, बर्तन वर्तन धुल गई थी सब कुछ, एक प्लेट बस जूठी है क्योंकि ये नाश्ता करके चले गए थे, और कढ़ाई मैंने ऐसे ही सब्जी की छोड़ दी थी। थोड़ी सी बनाई थी बिल्कुल ही, छोटे छोटे 2 आलू काटे थे, थोड़ी सी गोभी, बस इसी को मैं खा लूंगी अभी बना के रोटी। उसी ये वाला चश्मा भी लेके आई, मतलब शॉप पे चली गई थी क्योंकि दोबारा नहीं जाया जाता। पहले श्रेया के साथ ना मार्केट भी जाने का मन कर रहा था, क्योंकि श्रेया होती थी ना तब मार्केट भी ले जाती थी, चलो मम्मी चलते हैं, अब अकेले नहीं अच्छा लगता मार्केट वैसे जाना, और इनके पास टाइम नहीं होता है। कोई भी चीज हो ना इनके लिए, एक मतलब इनका जिस दिन रेस्ट होता है उस दिन का वेट करो, तो उस दिन मुझे स्कूल जाना होता है, तो इतना सारा काम इकट्ठे हो नहीं पाता है। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मेरा टूट गया था, और इसके बिना ना चश्मा शौक भी कह लो मेरा, लेकिन इससे ज्यादा मेरी मजबूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आंखों में एकदम धूल पड़ती है, आगे ट्रक वगैरह जाते हैं तो बहुत धूल उड़ाते हैं, ट्रैक्टर ट्रक कोई भी गाड़ी, तो इससे क्या आंखों में मेरे ना एलर्जी हो जाती है, पानी टपकने लगता है आंखों से, और बहुत ज्यादा मतलब उसमें कुछ कुछ किरकिर करता है। तो इसलिए मैं सेफ्टी के पर्पज से ये चश्मा जरूर लगाती हूँ स्कूटी चलाते हुए। और आज मैं ना एक चीज भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरी श्रेया ने मुझे ना एक चीज दिखा रही, देखो मेरी श्रेया मुझे मदर्स डे का मई में जो गिफ्ट लाई थी, तो उसको मैंने रख दिया था उठा के, लेकिन अभी वो बोल के गई थी कि मम्मी मुझे ना सिलवा लो मम्मी और पहनना, मेरे सामने पहन के दिखा दो, लेकिन वो चली गई, तैयार नहीं हो पाया था मैंने जहाँ सूट दिया था सिलने को। और ये देख सकते हैं इसकी चुन्नी भी बहुत ज्यादा हैवी है, चुन्नी अंदर रखी हूँ, और सूट कितना सुंदर है ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, और पूरा हैवी सूट है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं तो कभी ना कभी तो पहनने के काम ही आ जाएगा। और ये है बिल्कुल फालसा कलर, बस जामुनी कलर कह सकते हैं इसको, जो कि श्रेया बोली मम्मी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, आप पहनोगे इसमें तो खिल जाओगे, तो अपनी पसंद से वो लाई थी। खैर मैं नहीं गई थी, वो और कामना दोनों मिलके लाई थी अपनी पसंद से, तो मैंने कहा सिलवा लेती हूँ। और इसके नीचे एक घाघरा सिलवा दिया है उसने अपनी पसंद का, ही पता नहीं क्या। खैर जब मैं पहनूंगी तो पूरा लुक दिखाऊंगी, ये प्लाजो से जो चौड़ा होता है घाघरा बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, वही है। तो सिल के रेडी हो गया है, इसकी चुन्नी बहुत सुंदर सी है, लेकिन जब मैं पहनूंगी, अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, किसी न किसी में मैं जरूर पहनूंगी भाई। अब मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे अकेले का ब्लॉग जाता रहेगा, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उनको मैं निराश नहीं करूंगी, तो मैं फटाफट ब्लॉग डालना शुरू करूंगी, अब धीरे धीरे करके रूटीन पे आऊंगी और मैं ब्लॉग डालूंगी। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मुझे हौसला देने के लिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है संडे, तो मैं जल्दी जल्दी आलू के पराठे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, और इसके बाद मुझे जाना है एक वर्कशॉप में। तो 31 को गणेश चतुर्थी है, इसी उपलक्ष में हमारी जो ABSS की जो ये संस्था है, मतलब टीम है हमारी महिला, वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, तो वहीं पर संडे के दिन मैं चली गई थी। और संडे के दिन क्या था कि सब लोग फ्री थी, वैसे सारी जॉब वाली हैं तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे रेणु जिंदल जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट की
टीचर हैं, लेक्चरार हैं ये वैसे तो, लेकिन इनके मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखने आते हैं ये सब चीज़ें, तो उनके यहाँ ही ये हमारी जो वर्कशॉप है वो की गई थी। और ये इको फ्रेंडली गणपति बना रही हैं, देख सकते हैं आप लोग, माला बना दी, पटका बना दी गणपति जी को, कितनी प्यार से और कितनी जल्दी इन्होंने बना दिया है। अभी इसके बाद ये हम लोगों का भी टेस्ट लेंगी, हम लोगों से भी एक एक गणपति बनवाएंगी सबसे। तो यहाँ पर देखिए उनका श्रृंगार के लिए करती जा रही हैं और इतने सारे, मतलब मैं तो एकदम ऐसे हो गई, देखती रह गई थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं अपने हाथों से गणपति बनाए थे और फर्स्ट टाइम ये सिखाई हैं और हम लोग बैठ के वहीं बना कर आए हैं। तो ये देखिए गणपति जी का आधा जो ये रूप है ये तैयार है और इनका श्रृंगार, अभी सोचिए इस पर कलर चढ़ जाएगा तो ये कितने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। ये अभी गीली मिट्टी है, बस ये मिट्टी धीरे धीरे भगवान का रूप ले रही है। और भगवान का सच में बताऊँ, मिट्टी से क्या बन गए, मूर्ति बनते के साथ ही एकदम जान आ गई, देख सकते हैं। वाह, गणपति जी तैयार हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं, मतलब मैं तो नतमस्तक हूँ इनकी कला के आगे। और किसी को भी सीखना है, किसी बच्चे को भी, तो वो सीख सकता है। और उन्होंने मतलब डेकोरेटेड आइटम इतने ज़्यादा बना रखे हैं, अपने घर में रख रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर वॉल हैंगिंग है, की रिंग है, सब कुछ अपने हाथों से इन्होंने बनाया है। इनकी कला का जादू जो है वो आप लोग देख ही सकते हैं, कि देखते के देखते और बात करते करते इन्होंने कब इस मिट्टी को मूर्ति का रूप दे दिया, कि सब लोग हैरान रह गए कि इतनी जल्दी बना लिया। देखिए आँखें बन गई हैं गणपति जी की, और इतना बिजी होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, तो इसके लिए तो दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और रेणु जिंदल जी पूरे हिसार में फेमस है, इनका नाम ही काफ़ी है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि अगर किसी को भी गणपति घर में बनाने हैं तो इस तरह से वो सीखकर और विराजमान कर सकते हैं। गणपति का जो है वो फेस्टिवल शुरू हो चुका है, मतलब अपने घर में अपने हाथों से बनाकर आप विराजमान कर सकते हैं। ये गणपति पूरा रूप अब ले चुके हैं, इनके देखिए कान भी लग चुके हैं, कान बाकी थे तो कान भी अब लगा दी हैं। कान लगने के बाद तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं ये। तो इनका जो मोदक था वो बन गया, मुकुट भी ऊपर रह गया था तो मुकुट भी बना दिया इन्होंने, एक भी चीज़ जो है वो छोटी नहीं है। और छोटा सा मूसक भी बन गया है और मोदक भी बन गया है, तो ये हमारे गणपति बिल्कुल तैयार हैं। मूर्ति मोरिया सही बनिया, बहुत सुंदर, तो एक इन्होंने बनाकर दिखा दिया है और अब वैसे ही सेम हम सबको बनाना है। तो बस हम सब भी शुरू हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी इन्होंने सबको दे दी है, यहाँ पर मैं भी शुरू हो गई हूँ। अभी एकदम जो है आकार वो है वो बनाना शुरू कर दिया है, मतलब गणपति जी का, बस धीरे ही धीरे हमने भी बना लिया था, क्योंकि देखने के बाद थोड़ा आइडिया मिल गया था और पूछ पूछ के बस हमने बना लिया था, जो गलती हो रही थी वो ठीक करवा दे रही थी। तो इस तरह से हमारे गणपति भी धीरे धीरे करके जो है अपना आकार ले लिए थे, और बहुत खुशी हुई बना के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब हमारे भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं गणपति जी हमारे वाले तैयार हैं। यहाँ पर ये गणपति जी हैं, ये तैयार हो गए हैं और बहुत ही प्यार से बनाया है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये हमारी पूरी महिला टीम यहाँ पर गणपति ले लेंगे अपने, सब स्वागत करने के लिए तैयार है गणपति जी का। और कैसे ही बात है, और कैसे बहुत पेशेंस के साथ सिखाया है, क्योंकि देखो बच्चे तो जल्दी सीख जाते हैं, पर बच्चों की मम्मियाँ जो होती हैं वो बहुत लेट सीखती हैं, है ना मैम। ये है हमारी रेणु जिंदल मैम, जिन्होंने आज हमें सिखाया है। मुझे पता भी नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मैम। तो मैं आ गई हूँ, जो हमारा इको फ्रेंडली गणपति था, मतलब गणपति जी का जो हमारा हमारी वर्कशॉप थी वो करके, पर मैं गणपति जी को लेके भी आई हूँ अपने गणपति बप्पा को। कारण ये है कि वो बहुत छोटे से थे गणपति जी, तो अभी मैं वहीं छोड़ के आई हूँ उनको, क्योंकि वो ला नहीं सकती थी अकेले, मैं कैसे स्कूटी चलाती और कैसे लाती। अब ये वाले गणपति जी आ गए हैं जिनको हम बिठाते हैं हर साल,
आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही है, तो ये थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, तो इनको ऊपर रखूंगी। और जिस दिन हम मतलब अब तो एक ही दिन रह गया है, एक दिन बाद तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। गणपत बप्पा मोरिया फेस रख के दिया था अभी उन लोगों ने, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ ऊपर फ्रिज के ऊपर ठीक है, मैं ऐसे ऊपर ही ठीक रहेंगे। इनको ऊपर रख दिया मैंने, और मैं मार्केट से मेरा एक प्लाजो था उसकी चुन्नी थी बिल्कुल, मतलब ये सूट मेरा बहुत दिनों से पड़ा था चुन्नी की वजह से, तो मैं चुन्नी लेके आई हूँ। और मैं और दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ वहाँ से, मैंने इतने सारे और सामान मुझे लाना है, और बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी इसलिए मैं चली आई घर। अभी कल मुझे मेहंदी भी लगवानी है, मतलब मेहंदी तो मैं सोच रही हूँ स्कूल से लगवा के ही आऊँगी। और ये इतनी सारी मैं लड़ियाँ ले आई हूँ, लड़ियाँ मेरे घर में हैं, बट मुझे बहुत अच्छा सा पंडाल सजाना है, अभी जब सज जाएगा ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी। इतनी सारी खूब सारी लड़ियाँ लेके आई हूँ, और बहुत सुंदर सा डेकोरेशन करने वाली हूँ मैं गणपति जी का। तो गणपति का जो व्लॉग है ये तो जाएगा ही जाएगा, बट इससे पहले कल हरतालिका तीज है, तो हरतालिका तीज का जाएगा, तो हरतालिका तीज के दिन ही मैं मतलब डेकोरेशन कर लूंगी सारा कुछ, ताकि परसों सुबह सुबह जब गणपति पप्पा बैठे तो सुबह सुबह बहुत जल्दी ना हो उनकी स्थापना करके और मैं स्कूल की तरफ निकल जाऊँ जल्दी से टाइम से। तो आज बहुत अच्छा लगा गणपति जी बना के, अगर इतनी छुटकू सी गणपति जी हैं, बहुत प्यारे बहुत क्यूट से बनाया मैंने, लेकिन अभी ला नहीं सकती थी, जब वो सूख जाएंगे तो उनको भी लाऊंगी मैं घर में। मैं सोच रही हूँ आज ही शाम को मैं एक बार डेकोरेट करके देखती हूँ और डेकोरेट करके छोड़ दूंगी, बैलून वगैरह है वो तो उस दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने शुरू कर दी है, और साथ ही आज का क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि गणेश चतुर्थी की जो डेट है वो किस डेट को आपकी बार मतलब गणेश चतुर्थी पड़ रही है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।